हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पजल पे। जी हाँ, पजल के एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि पिछले वीडियो में पजल में हम लोगों ने फ्लोर पजल पे डिस्कशन किया था, और आज हम लोग पजल के एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, यानी हम बात करेंगे ईयर बेस्ड पजल पे। जी हाँ दोस्तों, ईयर बेस्ड पजल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास टाइप का पजल है, जो एग्जाम में चाहे वो प्री हो या मेन्स हो, दोनों तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको आज मैं प्री और मेंस दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और बारी बारी क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं, उसको भी ध्यान से सीखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बोल रखा था, बॉस पजल के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपके पास टेक्निक होना चाहिए, दूसरा थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी करके क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, आते अपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, क्या है जरा इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, दैट इज 1943, 1949, 1964, 70, 73, 79, 1992 एंड 2004। कहने का मतलब है 8 लोग हैं ए से लेके एच तक, ये 8ों लोग 8 अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको बोलते हैं ईयर बेस्ड पजल, जहां लोगों का बर्थ ईयर दिया होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि देयर एजेस विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2018 सेम मंथ एंड सेम डेट। ध्यान रखिएगा, ऐसी लाइन जरूर दी होगी कि उनकी एज हमें कोई एक ईयर दिया होगा, जैसे यहां दिया है 2018 तक हमें उनकी एज कैलकुलेट सबकी करनी है, सेम डेट और सेम मंथ में मान के। तो कहने का ये मतलब है, अगर बंदा 1943 में पैदा हुआ है, तो 43 से 2018 तक वो कितने साल का हुआ होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2018 में 1943 घटाते हैं, तो बस एक एक को घटाने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आप जल्दी बना लो। मेरे कहने का मतलब है 1943 से 2000, 43 से 2000, 43 से 2000, ये आपका कितना हो गया, 47, 47 साल हो गया। फिर 2000 से 2018, 18 साल, तो 47 और 18, 47, 18 कितना हो गया, 75 साल हो गया। और एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी ईयर बेस्ड पजल हो तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, ईयर को बेस मानेंगे। जी हाँ दोस्त, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर को, जैसा कि आप देख लो, ईयर को बेस मान लिया और एक कैटेगरी उनकी नाम की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ईयर के बगल में यहीं पे हम उनकी एज लिख लेंगे। तो 43 वाला बंदा 75 साल का था अभी हमने देखा। अब इससे देखा जाए तो ये 6 साल छोटा है, यानी ये हो जाएगा 69। ठीक है, अब जो 64 में पैदा हुआ उसके लिए 64 से 2000 तक ये हो गया 36 साल, और उसके बाद हो गया 18 साल। 18 और 36 कितना हो गया, 54 साल, 54 हो गया। और ये इससे 6 साल अगेन छोटा है, तो यहाँ पे हो गया ये 48 ईयर का। ये इससे 3 साल छोटा है, तो ये हो गया 45 ईयर का। ये इससे 6 साल फिर छोटा है, तो 45 से 6 साल कितना हो गया, ये 39 हो गया है। फिर उसके बाद बात करें तो ये 92 है, 92 से 2018 यानी ये हो गया आपका 26 साल, और उसके बाद ये 2014 वाला, ये 2004 वाला, ये 14 ईयर, 14 साल का होगा। तो हमने क्या किया, ईयर को बेस मान लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन कह रहा है ई वॉज बॉर्न बिफोर 1964, ई जो पैदा हुआ वो 1964 के पहले पैदा हुआ। अच्छा, 64 के पहले या तो 49 में या तो 43 में, दो चीजें हमें समझ में आ रही है, ई या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो हम कहीं एक जगह बिठाने से पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ई एंड एच इज 21 ईयर, ई और एच के एज का जो डिफरेंस है वो 21 साल का है। अब समझिए, अगर E को हम 69 पे बिठाते हैं, तो इससे 21 साल के अंतर पे H 48 पे होता, क्लियर। अगर E को हम 75 पे यहां पे बिठाते हैं, ठीक है, तो इससे 21 साल का डिफरेंस है, 54 पे क्या होता, H होता ना। और अगर आपको पजल पे जो हम लोगों ने एक पार्ट बना रखा है फ्लोर पजल, उसमें भी हमने बात बताया था, और ये बहुत सही टेक्निक होता है। अगर आपको लगे दो पॉसिबिलिटी बन रही हो, पॉसिबिलिटी कटे ना, तो ज्यादा समय सोचने पे मत लगाइए, तुरंत बीच से एक लाइन खींच के दो डायग्राम बना लेते हैं, यानी दोनों कंडीशन को एक साथ रन करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। आगे की लाइन पे आते हैं, कह रहा है बीस बर्थ ईयर इज एन इवन नंबर ईयर, बी का जो बर्थ ईयर है वो एक इवन नंबर ईयर में, यानी बी का
याद रखिएगा बर्थ ईयर इवन है, इसका मतलब हो गया 64, 70, 92 और 2004, यानी 64, 70, 92 और 2004, ये हमने इसका पॉसिबिलिटी लिख के साइड में छोड़ दिया। हमने बताया था ना जो फिक्स है भरिए, जो नहीं फिक्स है शॉर्टकट में लिख के छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि ए इज ओल्डर देन एच बट नॉट ओल्डेस्ट। ए जो है एच से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। अब देखिए हम इसीलिए इसको सीक्वेंस में सेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमको ये चीज सेट करने में आसानी हो। एच से बड़ा ए है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ए यही होगा। इस वाले में भी ए की पोजिशन यही बनेगी, क्लियर। इसके बाद कह रहा है नाइदर बी नॉर सी इज 14 ईयर ओल्ड। कह रहा है बी और सी में से कोई भी 14 साल का नहीं है, यानी सबसे नीचे न तो बी होगा न तो सी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2004 से बी का कंडीशन खत्म है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पोजीशन पे सी भी नहीं होगा। बी तो होगा ही नहीं, हम काट दिए वहीं पे, लेकिन सी भी इस जगह पे नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ सी एंड इज 53 ईयर। सी और डी की जो एज है उसका टोटल 53 है। अब जरा देखिए इनमें किसको जोड़ने पे 53 आ रहा है। 14 में जब हम 39 यानी 39, 14 और 39 को ऐड करेंगे तो 53 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई बी, कोई डी और सी होगा, क्लियर है ये बात। और अब जस्ट पहले वाली लाइन में हमने पढ़ा यहां पे सी नहीं होगा। अब समझिएगा सी और डी हमको इन्हीं दोनों में बिठाना है, और इसके जस्ट पहली वाली लाइन में पढ़ा है कि नीचे सी नहीं हो सकता, सी 14 ईयर का नहीं है। इट मींस कंफर्म हो गया यहां पे कौन होगा, डी होगा। और सी कहां होगा, यहां होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो सेम कंडीशन यहां पे भी, डी यहां और सी यहां पे हो जाता है। चलिए अब उसके बाद की लाइन पे आते हैं। उसके बाद की लाइन हमसे यहां कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द बी एंड एफ इज नॉट 5 एंड नॉट मोर देन 5। कह रहा है बी और एफ का जो डिफरेंस है, बी और एफ का जो डिफरेंस है, ठीक है, समझिए बात को, इनका जो डिफरेंस है वो ना तो 5 है ना 5 से ज्यादा है, मतलब 5 से कम है। तो हम कह सकते हैं 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब समझिएगा बी से एक तो पता है कि बी की 3 पॉसिबिलिटी, देखते हैं बी इवन नंबर वाले ईयर में है, ठीक है। तो पहले इस फिगर में अगर हम बात करें तो बी, समझिए बात को, बी यहां पे हो सकता है, इसके अलावा बी कहीं नहीं, बी इस फिगर में यहां हो सकता है, ठीक है। इस फिगर में बात करें तो बी हम यहां बिठा सकते हैं और बी को हम यहां बिठा सकते हैं, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, अगर मान लीजिए इस फिगर में जैसे हमने बी को यहां पे बिठा रखा है, यहां पे बी की एज कितनी है, 26 साल है, और हमें पता है कि बी और एफ के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 से कम, यानी 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल के बीच में होना चाहिए। एक बात बताइए, 26 साल के आसपास में कोई ऐसा ईयर है जो 5 साल से कम के नजदीक में हो? 26 के बाद सीधे 39 है या फिर नीचे 14 है? क्या 5 साल के आसपास वाला कोई है, 5 साल से कम के आसपास वाला ईयर नहीं है बॉस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो पॉसिबिलिटी आ रही है ये गलत आ रही है, यही वाला केस क्लियर होगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है बॉस, बी अभी हमने देखा बी 26 पे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इस पोजीशन पे तो बी हो नहीं सकता, बी की कंफर्म प्लेस यहां मिल चुकी हमें, ठीक है। अब जब बी यहां है 48 पे, तो इससे 5 साल के कम में, देखिए ना 43 यहीं पे तो एफ होगा हमारा, ठीक है, यानी कंफर्म हो गया एफ की पोजीशन यहां पे। अब हमने क्लियर देख लिया, सारे हमने बैठा लिए, एक बज गया है, ए बी सी डी ई एफ बज गया कौन, जी, और ये हमारा कंडीशन कंप्लीट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब प्री लेवल के क्वेश्चन है, आपको हमने बहुत डिटेल में बताया कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बनाने के बाद 2, 4, 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम एक दो क्वेश्चन यहां डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन हम ये बोल दें कि हु इज व्हाट इज द एज ऑफ एफ, यानी एफ की एज कितनी है, तो बस एफ की एज कितनी है 45, 45 साल। दूसरा क्वेश्चन हम बोल दें इन 1992 हु वाज बोर्न, यानी 1992 में कौन पैदा हुआ, बॉस 1992 में हमारा जी का जन्म हुआ है, जी पैदा हुआ है, तो आंसर हो गया जी। इसके बाद हम बोल दें डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड सी, एच और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, एच है 54 और सी है 39,
यानी 54 में से 39 माइनस कर दीजिए, तो कितना मिल गया यहाँ पे 5 और 1, यानी आंसर हो गया 15 ईयर। तो यही ध्यान रखना है बस, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इंपॉर्टेंट ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि ईयर बेस पजल को कैसे सॉल्व करना है। पहले ईयर को बेस मानते हैं और फिर जो कैटेगरी दी है उसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। जो कंफर्म होगा भरिएगा, जो कंफर्म नहीं है शॉर्टकट में लिख के छोड़ दीजिए। आई होप बात समझ में आई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी प्री लेवल का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। इसका कैसे सोल्यूशन करना है बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन में यहां पे भी बोला गया है 7 लोग हैं, उनके नाम दिए हैं, अलग अलग उनका बर्थ ईयर दिया है, और यहां पे भी बोला गया है कि उनकी एज हमें 2018 तक कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है, इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। हम इनका जो ईयर है, बर्थ ईयर है, उसको एक सीक्वेंस में बड़े से छोटा बेस मान लेते हैं और सबकी एज 2018 तक कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि अगर 1964 में कोई बंदा पैदा हुआ है तो 2018 तक क्या एज होगी, समझिएगा, 1964 से 2000 तक यानी 36 साल इधर हो गया, और 2000 से 2018 यानी 18 साल उधर, तो 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54, 54 साल का होगा। इससे एक साल छोटा ये है यानी 53 का, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बंदा 85 का है वो 2000 तक 15 साल और उसके बाद 18, तो 15 और 18 कितना हो गया 33 यानी 35 साल का ये हो गया, और इससे 4 साल छोटा ये है यानी ये 29 का हो गया। आई होप बात समझ में आ रहा है। इससे 4 साल छोटा देखिए तो ये है यानी ये हो जाएगा 25 का, और इससे 5 साल छोटा ये है तो ये हो जाएगा 20 का, और इससे 6 साल छोटा ये है यानी ये हो जाएगा 14 यानी 14 साल। तो आपको बस यही काम करना है, हड़बड़ी एक एक को घटाने की जरूरत नहीं है, बड़े इजीली आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ नरेंद्र एंड ललित इज इक्वल टू द एज ऑफ ओम। कह रहा है नरेंद्र और ललित की एज को जोड़ने पे ओम की एज आएगी। अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो एक तो केस ये बनेगा कि 25 और 29 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 54 आएगा, क्लियर, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें कौन नरेंद्र कौन ललित क्लियर नहीं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 33 और 20, 35 और 20 को हम जोड़ेंगे तो 53 आएगा, 53 आएगा। इसमें भी कौन नरेंद्र कौन ललित हम कंफर्म नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज हमें कहीं ना कहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में लिख के छोड़ देंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम यहां छोड़ देंगे इसको। तो नरेंद्र प्लस ललित इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए मैं एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा आपको कैसे इसको डील करना है, ठीक है। इसके बाद की लाइन कह रहा है कि द एज ऑफ मुकेश एंड पारस इज एन इवन नंबर बट नन ऑफ देम इज ओल्डेस्ट। इस बार कह रहा है मुकेश और पारस की जो एज है वो इवन में है, एज को इवन नंबर में बोला है, और वो सबसे बड़े नहीं है यानी वो 54 साल के नहीं है। अगर 54 को छोड़ दिया जाए तो मुकेश और पारस के लिए इवन एज में 20 और 14 बचता है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई मुकेश और कोई पारस होगा, तो हमें क्लियर नहीं है। तो इसके आगे की लाइन से पढ़ते हैं, शायद पॉसिबिलिटी मेरी कट जाए। तो जैसे ही एक पॉइंट आगे बढ़े तो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पारस एंड नरेंद्र इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर नरेंद्र और पारस की बात करने लगा है, ठीक है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे इसमें भी करेंगे, बीच से हम इसको दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, एक इधर एक इधर। तो एक केस में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं एक में कि मुकेश को हम इसमें यहां कर देते हैं, तो पारस मेरा 14 साल यानी यहां आ जाएगा। इस वाले में हम मुकेश को 14 साल यानी नीचे कर देते हैं तो पारस यहां आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई है। तो हमने दो पॉसिबिलिटी ले ली। अब उसके बाद की लाइन जो थी वो यही थी कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पारस एंड नरेंद्र इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पारस और नरेंद्र का जो डिफरेंस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझिएगा। अगर पारस 14 साल का, तो ऑब्वियस ही बात है नरेंद्र 25 साल का होगा, तभी तो 25 और 14 को घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके अलावा आप किसी के साथ भी डिफरेंस निकाल लीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। जैसे अगर 29 के साथ लेंगे तो 15 आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 33 के साथ भी घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा और इसके साथ भी नहीं आएगा। तो इससे कंफर्म हो गया पारस अगर 14 है तो नरेंद्र 25 होगा, तो यहां पे कौन हो जाएगा, नरेंद्र।
आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ रहा है। और इस वाले कंडीशन में समझा रहे, अगर पारस 20 है तो नरेंद्र ऑब्वियसली बात है 29 होगा, तभी तो 29 और 20 का डिफरेंस 9 यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी इस बार नरेंद्र यहां हो गया। आगे की लाइन में पढ़ते हैं, आगे की लाइन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ कमल एंड पारस इज इक्वल टू द एज ऑफ तेजस। अब कह रहा है कि कमल और पारस का जो डिफरेंस है ना एज का, वो तेजस का एज है, ठीक है, किसका एज है, तेजस का एज, ठीक। अब समझिएगा, मेरे पास यही दो कंडीशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मिल चुका है और नरेंद्र में हम ललित को ऐड कर देंगे तो ओम मिल जाएगा। आप समझिएगा, नरेंद्र इस वाली कंडीशन में नरेंद्र 25 है, 25 में हम 29 यानी 29 जोड़ेंगे तभी तो 54 आएगा, 54 आएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नरेंद्र अगर 25 है तो ललित कहां हो जाएगा, 29 पे हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे ओम कहां हो जाएगा, 54 पे हो जाएगा, क्योंकि अगर 25 नरेंद्र है तो इनसे हम 33 जोड़ेंगे तो वो 54 से ज्यादा आने लगेगा, वो एज पे तो कोई है ही नहीं, उतना तो सोचना ही नहीं था, ठीक है। इसमें हम बात करें नरेंद्र 29 है तो अगेन 29 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 54 होगा, यानी अगर नरेंद्र 29 है तो ललित 25 होगा इस वाले कंडीशन में, तो ललित 25 होगा, इसके वजह से ओम यहां भी 54 होगा, दोनों केसेस क्लियर चल रहे, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास, ये कंप्लीट हो गया तो यही बचा है, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, कह रहा है कमल के एज और पारस की एज को घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, कमल इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, समझिए, अगर कमल को 53 ले ले तो 53 में पारस 14 घटा है तो क्या 30, समझिएगा, अगर कमल ये है तो ये तेजस होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी, अगर 53 में से हम 14 घटा दे, 14 घटा दे तो क्या 33 आएगा, नहीं आएगा। कमल, अब हम कमल को अगर 33 ले, 33 में 14 घटा है तो क्या कभी 53 आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कहीं से सही नहीं है, इस कंडीशन में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब हम आते इधर वाली कंडीशन पे, समझिएगा, पारस कितने पे है, 20 साल पे, ठीक है, अगर हम कमल को 53 कर दें यानी 53 साल कर दें तो 53 में से 20 घटा देंगे तो 33 साल यानी यहां पे तेजस आ जाएगा, बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस कंडीशन को फुलफिल किया, आप देख सकते हैं हमारा पजल तैयार हो चुका है। देखिए, प्री लेवल के पजल बहुत आसान होते हैं, प्री लेवल में आपके पास बहुत कम समय होता है, इसलिए उसका लेवल भी बहुत इजी होता है, हार्ड नहीं होता है प्री का क्वेश्चन, प्री लेवल में आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये कंडीशन बिठा लिया, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन 5 होंगे, हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे यहीं पे बोल दें इन विच ईयर ललित वॉज बॉर्न, ठीक है, तो हम कंडीशन में देख लेते हैं ललित कौन से साल में पैदा हुआ, 1993 में पैदा हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बात करें व्हाट इज द एज ऑफ तेजस, यानी तेजस की एज कितनी है, तेजस की एज कितनी है, 33 ईयर का है। इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर ओल्डर देन नरेंद्र, नरेंद्र से बड़े और कितने लोग हैं, समझिएगा बात को, नरेंद्र से बड़े कितने लोग हैं, इस वाली कंडीशन बात कर, नरेंद्र यहां पे है जो कि सही था, नरेंद्र से बड़े 1, 2, 3 लोग हैं, तो करेक्ट आंसर मिला कि 3 लोग नरेंद्र से बड़े हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और बनाना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन 2 हमने कराए, ये थोड़ा प्री लेवल के क्वेश्चन थे और हम उम्मीद करें कि आपको ये समझ में भी आया होगा, आप इसे इस टाइप के क्वेश्चन आप बना भी लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बॉस जो हम अब आपको दे रहे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन हमने सेट किया है, मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। मेंस का क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, वो इतना छोटा नहीं होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए कहते हैं पेशेंस जरूर रखिएगा, टेक्निक सही होगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, बहुत ध्यान से वीडियो पॉज कीजिएगा, अगर ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, जितना समय लगे अभी लगाइए, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, लंबा है, समय लगेगा, थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
तो आइए दोस्तों आते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। हम उम्मीद करेंगे आप में से कुछ लोगों ने बना भी लिया होगा और हो सकता है कुछ लोग फंसे भी होंगे। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा ही लगेगा, अभी आप सीख रहे हो, टेक्निक सीख रहे हो, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। हम आते हैं इसके डिटेल सोल्यूशन पे ताकि आपको समझ में आए क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, ठीक है। कंडीशन पे आते हैं दोस्त। कंडीशन में हमसे बोला है कि इस बार आठ लोग है, नाम दिया है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये आठ लोग आठ डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पैदा हुए, इनका बर्थ ईयर दिया हुआ है। साथ ही साथ इस बार एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ये डिफरेंट सिटीज में काम करने जाते हैं। सिटीज के नाम दिए हुए, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, लखनऊ और पुणे, ठीक है, मुंबई, क्लियर। और फिर ये भी बोला है, देखिए अगेन यहाँ पे उनकी एज हमें 2018 तक कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले यही काम कर लेते हैं, सबकी एज कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने एज यहाँ एक सीक्वेंस में लिख दी है, सबसे बड़े से छोटे में एज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1956 में जो बंदा हुआ है वो 2000 तक कितने साल का होगा, 2000 तक वो 44 साल का होगा, 2000 से 2018 यानी 18 साल, तो 44 और 18 कितना हो गया, 62 साल का हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो बंदा 62 का है, ठीक है, समझिएगा ये इससे 6 साल छोटा है, तो इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 56 साल, 56 का हो जाएगा। फिर इससे ये 6 साल, इससे कितना, 8 साल छोटा है, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 यानी 48 साल का हो जाएगा। यहाँ से ये 7 साल छोटा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये 7 साल छोटा है, तो बिल्कुल ये कितना, 41 का हो जाएगा, बहुत क्लियर समझिएगा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद बात करें तो ये देखिए इससे कितने साल छोटा है, इससे ये लगभग 8 साल छोटा है, ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 33 का हो जाएगा। और इससे ये 5 साल छोटा है, यानी ये 28 का हो जाएगा। 28 से ये भी 5 साल छोटा है, यानी ये 23 का हो जाएगा। और इससे ये 6 साल छोटा है, यानी ये हो जाएगा हमारा 17 ईयर का। तो देखिए एज फटाफट हमें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कंडीशन पे आते हैं, ध्यान समझिए। कंडीशन में कह रहा है देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन The one who is working in Bangalore and A who does not work in Pune. कह रहा है कि जो बंदा बैंगलोर और A के बीच में पैदा हुए हैं वो दो लोग हैं, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को एक साइड में कहीं लिख ले रहे हैं छोटा सा, यहाँ पे ध्यान से, अच्छा हम थोड़ा छोटे में ही लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो बैंगलोर और A के बीच में दो लोग हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा उसी के जस्ट लाइन में, उसी में बोला है A Who does not work in Pune, यानी ये जो A है ये पुणे में काम नहीं करता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है द एज ऑफ S इज 3 टाइम द एज डिफरेंस बिटवीन द वन हु इज वर्किंग इन मुंबई एंड B। अब यहां ये कह रहा है, जरा लाइन ध्यान समझिए, कह रहा है कि जो S की एज है ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम उसके है जिसके बीच का डिफरेंस, उसके डिफरेंस का 3 गुना है, यानी मुंबई और बी के। यानी कहने का मतलब है जो बंदा मुंबई में काम करता है और बी के एज का जो डिफरेंस है उसका 3 गुना जो होगा वो एस की उम्र होगी, बहुत क्लियर समझिएगा। इसके बाद की लाइन आगे बढ़ते, देखिए अभी कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है प्लीज, इसलिए हम नहीं बिठा सकते। इसके बाद कह रहा है द वन हु इज वर्किंग इन मुंबई, सॉरी ये लाइन हमने देख ली। इसके बाद कह रहा है सी इज नॉट एल्डर देन द पर्सन हु इज वर्किंग इन दिल्ली। अब समझिए, कह रहा है सी जो है दिल्ली में काम करने वाले से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में काम करने वाले से छोटा ही होगा, ठीक है। यानी ये कंडीशन है, दिल्ली वाला बड़ा होगा और सी छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन हमसे कह रहा है देयर इज वन पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु इज वर्किंग इन पुणे एंड क्यू हुज एज इज अ प्राइम नंबर। फिर वही बात कह रहा है यहां पे कि पुणे और क्यू के बीच में एक लोग का जन्म हुआ है और क्यू का जो एज है वो प्राइम नंबर है, समझिएगा प्राइम नंबर मतलब 17, ठीक है, 23 एंड 41। प्राइम नंबर क्या होता है, 17, 23 और 41, इनमें से, ठीक है। तो इनकी 3 पॉसिबिलिटी है, यानी 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है और 41 भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कंडीशन को मेंशन कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बस आगे की लाइन कह रहा है कि आइदर वन और टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर
एंड द वन हु इज वर्किंग इन लखनऊ, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आर और लखनऊ के बीच, समझिएगा आपको, कह रहा है आर और लखनऊ के बीच में, आर और लखनऊ के बीच में या तो एक लोग हैं या तो दो लोग हैं, आइदर वन और टू, ठीक है। अभी भी देखिए कोई प्लेस नहीं कंफर्म हो रहा है, इसलिए हम कहां से शुरुआत करें ये क्लियर नहीं है। देखिए पेशेंस रखिए, हड़बड़ी मत करिए यार, इतने में कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दे क्वेश्चन, हड़बड़ा जाए नहीं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं, आराम से कूल माइंड होकर सॉल्व कीजिए, जरूर बन जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, ठीक है। आगे कह रहा है पी बॉर्न इन वन ऑफ द ऑड नंबर ईयर एंड डू नॉट वर्क इन बैंगलोर एंड कोची, ये भी श्योर नहीं है। कह रहा है कि पी जो है काम नहीं करता है बैंगलोर और कोची, दो जगह पी काम नहीं करता है, और पी ऑड नंबर ईयर में पैदा हुआ है। ऑड नंबर ईयर पैदा होने का मतलब है 2001, 1995, 1985 और 1977। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में करके इस चीज को मेंशन भी कर लेते हैं कि 2001, 1995, 1985 और 1977, ठीक है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट आगे बढ़ा जाए तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एज एज, ध्यान समझिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एज इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड डज नॉट बॉर्न आफ्टर 1980। पॉइंट समझिएगा, ए की जो उम्र है, ठीक है, ए की जो उम्र है वो 1980 के बाद नहीं पैदा हुआ, पहली तो बात, ए 1980 के बाद यानी इसके बाद नहीं पैदा हुआ, ए इसके पहले पैदा हुआ है, और ए की जो उम्र है वो 4 के मल्टीपल में है, यानी 1977, क्योंकि 85 से होने 80 के बाद हो नहीं सकता, 80 से कम में जाएंगे तो यही 4 पॉइंट है, और इनमें 4 का मल्टीपल 2 है, या तो 48 है या तो 56 है, आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन यहां दो पॉसिबिलिटी आ रही है, तो सेम टू सेम हम दो कंडीशन यहां पे ले चलेंगे, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि ये देखिए दो कंडीशन लेने का बेनिफिट ही यही होता है कि क्वेश्चन आप बिना फंसे एक बार में बना लोगे, यानी एक और हम कॉलम बना लेते हैं नेम और सिटीज का। अब समझिएगा, ए की दो पॉसिबिलिटी, इधर ए को हम 56 पे बिठा दें, ठीक है, इस वाले फिगर में हम ए को 48 पे बिठा दें, आई होप बात समझ में आई होगी। तो जैसे ही हम इस चीज को बिठाए होंगे तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, ए और बेंगलोर के बीच में दो लोग पैदा होगा, ठीक है। अगर ए यहां है तो एक दो छोड़ के बेंगलोर इसी जगह पे होगा, क्योंकि ऊपर हो नहीं सकता, यहां पे भी है तो ऊपर तो हो नहीं सकता दो की गैपिंग पे, तो एक दो छोड़ के कंफर्म हो गया बेंगलोर यही। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। और जो जो कंडीशन होते, देखिए ये शॉर्टकट में लिखने का ही फायदा होता है कि अगर हमको एक कंफर्म होता है और उससे रिलेटेड चीजें हम तुरंत रिलेट करके भर लेते हैं, ठीक है, और जो जो होते जाएगा हम उसे मिटाते भी जाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो समझने का, ठीक है। चलिए अब आगे की लाइन देखते हैं, आगे की लाइन में देखा जाए तो हमसे ये कह रहा है कि एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु इज वर्किंग इन पुणे इज सेम एज द पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड द वन हु इज वर्किंग इन चेन्नई। कह रहा है कि डी और पुणे के बीच में जितने लोगों का जन्म हुआ, इन शॉर्ट समझिएगा, डी और पुणे के बीच में जितने लोगों का जन्म हुआ है उतने ही लोगों का जन्म क्यू और चेन्नई के बीच में भी हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ऊपर एक जगह मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि डी और पुणे के बीच में जितने की गैपिंग है उतने ही लोग क्यू और चेन्नई के बीच में भी हो गए। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके आगे वाली बात पे। तो आगे की लाइन कह रहा है कि सी इज 5 ईयर यंगर देन बी, सी इज 5 ईयर यंगर देन बी, यानी सी बी से छोटा है कितने साल, 5 साल, तो बी बड़ा है और सी छोटा है, यानी सी नीचे होगा बी ऊपर होगा, ध्यान रखें इनके बीच की गैपिंग 5 साल है, ठीक है, 5 ईयर, ये चीज क्लियर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 5 साल वाली दो कंडीशन है 23 और 28, 28 और 33, इन्हीं में से कोई होगा बी और सी, ये क्लियर जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
इसके जस्ट बात की लाइन कह रहा है कि पीस एज इज प्राइम नंबर एंड बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज वर्किंग इन मुंबई। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पी हमने यहां बनाया बैंगलोर, ठीक है, पहले तो हम ये कहते हैं पी की जो उम्र है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब 17, 23, 41, क्लियर है। पी के हम यहां पे मेंशन कर देते हैं 17, 23 और 41, ये तीन एज है। आई होप बात समझ में आई है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये बोला है कि पी जो है मुंबई के जस्ट ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि मुंबई के जस्ट ऊपर कौन पी है, ठीक है। अब समझिएगा, क्या पी कभी 17 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 17 के नीचे तो मुंबई हम बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि मुंबई के ऊपर पी है। समझिए बात को, इससे हमें एक चीज पता चल गया कि पी 17 वाले पे नहीं होगा, ठीक है। और इधर एज जो हमने ये ईयर भी लिखा है, इसमें से भी हमें समझ में आ गया कि 2001 में पी नहीं होगा, ठीक है। अब जरा रिलेट करने की कोशिश करिए, देखिए शॉर्टकट में लिखे उसको बहुत ध्यान समझिएगा, मेंस के क्वेश्चन में यही चीज थोड़ा ट्रिकी होता है, समझना ही है। पी के लिए दो पॉसिबिलिटी 23 और 41 प्राइम नंबर, क्यू के लिए भी वही तीन पॉसिबिलिटी है प्राइम नंबर, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां से हमें कुछ हिंट मिल सकता है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे की लाइन पे बढ़ते हैं, आगे की लाइन कह रहा है कि सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर। देखिए बहुत क्लियर, एक बड़ा क्लियर पॉइंट मिल गया है कि पी और क्यू का जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जरा हमें आप खुद बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 17, 23 और 41 यही पी और क्यू की पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कौन सा दो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये बता। 23 और 41, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो 3, 1, 4, 4, 2, 6 यानी 64, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है कि 23 और 41 में से ही P और Q होगा, लेकिन कौन P कौन Q हमें आइडिया नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने दो फिगर जोड़ लिया, हम बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बिठा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, हमें समझ में आ गया कि 23 और 41 में ही P और Q होना है, तो लेकिन कौन सा पी है कौन सा क्यू है हमें क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और, इधर भी देख लेते, इधर भी वही चीज मेंशन कर दे, पी और क्यू और पी और क्यू। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। अब एक चीज और जरा गौर से इस फिगर में, हमें पता है पी के जस्ट नीचे मुंबई होना, अगर पी यहां कर दे तो क्या इसके जस्ट नीचे ये मुंबई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इतना तो श्योर है कि इस वाले डायग्राम में यहां पे पी तो नहीं होगा, यहां पे कौन होगा? क्यू होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब कंफर्म हो गया यहां पे कौन होगा? पी होगा। आई होप ये भी बात समझ में आ गया होगा। ये वाले फिगर में कॉन्सेप्ट क्लियर, इस वाले में अभी दिक्कत है, क्योंकि पी यहां है तो यहां पे मुंबई हो सकता है, पी यहां है तो यहां पे मुंबई हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा जैसे ही हमने P और Q को बिठा लिया, तो अब जरा दिमाग थोड़ा सा अपना घुमाइए और यहां पे लेके आइए जो ये पॉइंट हमने देखा था, इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी, जहां हमको बोला गया था कि C जो है B से छोटा है और दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है। तो 5 साल वाले हमने देखा था, 5 साल वाले या तो ये दोनों थे या तो ये दोनों थे, ठीक है। तो बी और सी या तो यहां था या तो यहां था। अब एक बात बताइए, यहां पे बी और सी हो सकता? नहीं हो सकता कभी, क्योंकि बी यहां करेंगे तो ये सी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कंफर्म हो गया यही वाला बी और सी की प्लेस होगा, बिल्कुल यहां पे ही बी और सी होगा, हमें पता ऊपर बी और नीचे सी है, कंफर्म है, ठीक है। सेम वही हाल यहां पे भी, क्योंकि यहां पे तो पी और क्यू में से कोई होना है, तो बी और सी का पोजीशन ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कंफर्म हो गया बी और सी हमें यहां मिल गया। तो देखिए जो जो कंप्लीट होते जा रहे हैं हम उसे क्या करें, हटाते भी साथ साथ चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट पे आते हैं, समझिए बात हमसे इसके बाद। अब देखिए जिससे जो जो फिल हो रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब तक साइड में है कोशिश करिए उसको फिल करने की, ठीक है। हम लोगों ने पी से काफी कुछ, हमने पी को बिठा लिया, ठीक है, और पी से रिलेटेड काफी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, देखिए कितनी क्लियर हो जाती है बात इनको अगर समझ में आ जाए, ठीक। एक इंफॉर्मेशन आपको यहां दिख रहा है क्यू से पुणे पे, ठीक है, कैसे पिक करना है वो समझिएगा, क्योंकि जो मेरे पास है वहीं से रिलेट कर रहा है। क्यू और पुणे के बीच में एक है, ठीक है, क्यू यहां है तो एक ही गैपिंग पे यहां पुणे हो सकता है,
क्यों यहाँ पे ए की गैपिंग पे ए पे ऊपर पुणे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में मना किया गया था पहली लाइन में कि ए पुणे नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक छोड़ के यहाँ पुणे नहीं हो सकता है, लेकिन एक छोड़ के यहाँ पे पुणे जरूर होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब यहां समझिए, क्यू यहां है तो एक छोड़ के यहां पुणे नहीं हो सकता, लेकिन अगर क्यू यहां है तो एक छोड़ के यहां पुणे हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्यू को हम यहां बिठाते तो एक छोड़ के पुणे यहां भी हो सकता है और एक छोड़ के पुणे यहां नहीं हो सकता, तो यहां थोड़ा क्लियर अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान, ये जरा लाइन को पढ़िए, हमसे बोला है मुंबई और बी के बीच की जो गैपिंग है इसका 3 गुना एस का उम्र है। इसका मतलब मुंबई और बी अलग अलग ईयर में पैदा हुए, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही ईयर वाले होते तो दोनों का गैपिंग 0 होता और उसका 3 गुना करिए वो भी 0 ही होगा, 0 का कोई एज है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ही होंगे, बात समझ में। अगर पी को यहां बिठा दे तो मजबूरन हमें बी को ही मुंबई करना होगा, क्योंकि पी के जस्ट नीचे मुंबई है, बात समझ में आ रही होगी। तो क्या यहां पी होगा? नहीं होगा, यहां कौन होगा? क्यू कंफर्म होगा, और यहां क्यू कंफर्म होगा तो यहां पे कौन कंफर्म होगा? पी कंफर्म होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो जब पी यहां कंफर्म तो यहां पे मुंबई कंफर्म, और यहां पे भी नीचे मुंबई। देखिए बहुत डिटेल में बहुत आराम से हम आपको इसीलिए समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अब देखिए क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया, ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्यू और पुणे बिठा सकते हैं, क्योंकि क्यू की प्लेस फिक्स हो चुकी है, तो एक छोड़ के यहाँ तो पुणे नहीं हो सकता, लेकिन एक छोड़ के यहाँ पे पुणे बैठेगा। यानी हमने देखा ये क्यू और पुणे की भी कंडीशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और ए पुणे पे नहीं होगा ये भी कंडीशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। जो जो हम लोगों ने कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको हटाते हैं, एलिमिनेट करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम जरा आगे की लाइन पढ़ते हैं, शायद आगे की लाइन से कुछ और हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब एक और चीज बहुत क्लियर देख लीजिए, हमारे पास मुंबई और बी कंडीशन में दोनों है, मुंबई और बी का जो डिफरेंस है उसका 3 गुना एस का उम्र है। बी की उम्र कितनी है? 33 साल। मुंबई वाले की उम्र कितनी है? 17 साल। तो 33 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया? 16 साल। और 16 का 3 गुना कितना हुआ? 48, 48। यानी 48 साल पे कौन होगा? एस होगा, समझिए। तो 48 साल पे कौन होगा? एस होगा। और यहां एस की जगह है नहीं है, यहां 48 साल पे ए है। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन थी वो रॉन्ग थी, यही वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। तो बहुत ध्यान से देखिए पॉसिबिलिटी कैसे कटी, उस चीज को भी समझिएगा। तो ये भी कंडीशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम जरा आगे की लाइन एक दो पॉइंट और भी देख लेते हैं, उससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि पीज अच्छा ये हमने बिठा लिया, फिर आगे की लाइन कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। आगे कह रहा है द वन हु इज वर्किंग इन लखनऊ बॉर्न इन इवन नंबर ईयर, ध्यान रखिएगा जो भी लखनऊ में पैदा हुआ है वो इवन ईयर में पैदा हुआ है, इवन ईयर में, ठीक है। अच्छा ये भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है द वन हु इज वर्किंग इन दिल्ली बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, कह रहा है जो दिल्ली में पैदा हुआ है वो ऑड नंबर ईयर में हुआ है, बस। अब देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे 4-5 इंफॉर्मेशन बच गया, ठीक है, समझिएगा पॉइंट। अब बात ये आती है, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिए, दिल्ली से छोटा सी है, ठीक है, कंडीशन ऐसी थी कि दिल्ली से छोटा सी है और दिल्ली ऑड पे होगा, ऑड ईयर वाले पे, सी के नीचे 17 यानी 2001 पे तो नहीं हो सकता मुंबई, यहां पे 95 पे भी हम नहीं बिठा सकते क्योंकि सी के नीचे हो ही नहीं सकता, सी के ऊपर ही ऑड पे जाते हैं। सी के ऊपर ऑड में 85 पे बैंगलोर है तो दिल्ली हो नहीं सकता, इसके बाद ऑड में तो बस खाली 77 ही बचा ना, क्योंकि बाकी सारे तो इवन है, तो कंफर्म हो गया 77 पे कौन हो गया? दिल्ली हो गया। मेरी बात आई होप समझ में आ गई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल। कंडीशन देखिए हम एक एक हटाते जा रहे हैं, एलिमिनेट करते जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब हम आते हैं इस वाले पोर्शन जहां आर और लखनऊ को बिठाना, और हमें बोला है लखनऊ इवन नंबर ईयर पे होगा,
ठीक है, समझिएगा लखनऊ इवन नंबर पे होना है। इवन नंबर ईयर का मतलब लखनऊ जो है इवन नंबर ईयर में, यहां तो हो नहीं सकता, इवन में एक दो तीन, ये तीनों इवन नंबर ईयर, ठीक है। और हमें यह भी ध्यान रखना है लखनऊ से आर के बीच में या तो एक की गैप होंगे या तो दो की गैप होंगे, ठीक है। अब समझिए अगर लखनऊ यहां कर दे, बहुत ध्यान समझिएगा, तो एक की गैपिंग पे ये आर नहीं हो सकता, दो की गैपिंग पे ये आर नहीं हो सकता, क्लियर। यानी लखनऊ अगर लखनऊ यहां कर दे, एक की गैपिंग पे ये आर नहीं हो सकता, एक दो की गैपिंग पे ये आर नहीं हो सकता, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहीं पे होगा लखनऊ। और नीचे एक की गैपिंग या दो की गैपिंग पे तो आर नहीं हो सकता, लेकिन एक की गैपिंग पे ऊपर तो आर कंफर्म हमारा हो जाएगा, यानी ये भी कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सारे नाम हो गए, बस एक नाम बच गया है, हमारा जो नाम बच गया वो डी बच गया है, तो नाम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक लाइन यहां पर देख लीजिए, कह रहा है डी और पुणे के बीच में जितने लोग का जन्म हुआ है उतने ही लोगों का जन्म क्यू और चेन्नई के बीच में हुआ है, ठीक है। तो डी यहां पे है और पुणे यहां पे है, तो डी और पुणे के बीच में एक है, इट मींस क्यू और चेन्नई के बीच में भी एक होंगे। अब क्यू यहां है इस वाली पोजीशन पे, तो एक छोड़ के नीचे यहां तो चेन्नई नहीं हो सकता, लेकिन एक छोड़ के यहां तो चेन्नई होगा, तो कंफर्म हो गया चेन्नई की प्लेस यहां पे हो गई, क्लियर। यानी ये भी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। और आखिरी पॉइंट पे हमसे यहां पे ये कह रहा है कि पी ना तो बेंगलोर ना तो कोची में काम करता है, तो हमारे पास बेंगलोर बिठ चुका है लेकिन कोची तो हमें बिठाना है ना, कोची प्लेस सेट करना है, तो पी पे कोची नहीं होगा, कोची कहां चला गया, आर पे हो जाएगा, यानी कोची जो प्लेस है वो आर पे हो जाएगा। और जो हमारा एक प्लेस बच गया यानी बचा क्या, हैदराबाद, तो वो पी पे हो जाएगा। और ये हमारा पजल आप देख रहे होंगे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए मेरा बस एक ही बात आपसे कहना है, क्वेश्चन चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, टेक्निक सही होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा अरे मेंस का क्वेश्चन है इतना भयानक सोल्यूशन इतना बड़ा है कैसे। मैं यहां पे आपको एक एक लाइन डिटेल में समझा रहा हूं, इस वजह से यहां थोड़ा समझाने में जो समय लगाया, अदरवाइज प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं भी होता है, बनाने लायक होता है, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन इस टाइप के ही होते हैं, तो हम हर क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इजी तो आपको बनाना है लेकिन टफ लेवल के भी क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, मेंस लेवल पे भी जाना होगा, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, कोशिश करिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताओगे। जी हाँ दोस्तों, और यही कहूंगा कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, जो तरीके जो टेक्निक हमने बताए उसको सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे प्री हो चाहे मेंस लेवल का ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी भी दे रखी है, अगर आपको लगता है आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हो। आप ही सभी लोगों के कुछ क्वेश्चन को लेकर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बहुत जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये चीज सीखने को मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।